नमस्कार, मैं हूँ अनके सिंह। डिस्कस टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। आपने एक कहावत सुनी होगी, लौट के वापस घर को आए। लोग गांव से पलायन करके शहरों को जा रहे थे, पश्चिमीकरण को अपना रहे थे, अत्यधिक कमाने की चाहत में लोग देश की सीमाओं से पार जा रहे थे। लेकिन एक महामारी क्या आई, लोग वापस लौट के गांव को आ गए। सोचिए, लोगों के अंदर अब जाकर के गांव की अहमियत समझ में आई। लेकिन लोग पलायन करते क्यों हैं? गांव में रोजगार है कहाँ? एक तो मजबूरी ये भी है। एक बात बड़ी गौरवान्वित करने वाली है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कहा गया है कि कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी 17 वर्षों में पहली बार 20% तक पहुंच गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि यह आंकड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में हासिल किया गया है। हम कृषि को व्यवसाय क्यों नहीं मानते हैं? हम किसानों को व्यवसाय क्यों नहीं मानते हैं? कब तक हम इस सोच को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? अब समय आ चुका है ग्रामीण की बुनियादी विकास पर ध्यान दे करके उसके आधारभूत स्तंभों को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रामीण औद्योगिकरण की दिशा में एमएसएमई सेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानेंगे नाबार्ड के एक्स चीफ जनरल मैनेजर और मॉडल गांव के प्रेसिडेंट मुनीश कंगवार जैसे।